बड़ी खबर आपको बता दें, एक नया दावा किया गया है। मीरा रोड में जहां सरस्वती की हत्या को अंजाम दिया गया, वहां से कुछ दूरी पर एक सरकारी राशन की दुकान है और उसी दुकान के दुकानदार ने दावा किया कि मनोज साने उसकी दुकान पर हत्या के दो दिन बाद सुबह आया था और एक घंटे तक दुकान पर रुका और एक घंटे में 3 सिगरेट पी। दुकानदार का कहना है कि इतनी सिगरेट पीते हुए उसने मनोज को कभी नहीं देखा था। जहां वो पहले काम किया करता था, लेकिन उसकी नौकरी यहां चली गई थी। दुकानदार के मुताबिक जब वो दुकान पर आया था तो बहुत टेंशन में लग रहा था। एक घंटा यहां बैठे आरोपी मनोज साने ने बैंक खुलने का समय पूछा था और सिगरेट पीते हुए लगातार टहल रहा था। इसके बाद वो दुकान के बगल में मौजूद एक बैंक में गया, जहां वो आधे घंटे रहा। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में भी नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसमें मनोज साने नाम के आदमी पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसके टुकड़े करने का आरोप लगा था और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि मीरा रोड हत्याकांड का आरोपी मनोज साने लगातार बयान बदल रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से पुलिस हत्या की वजह जानने के लिए मनोज साने से पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोपी मनोज साने पर पुलिस जांच को गुमराह करने का आरोप लगा। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। उसने सरस्वती से 2014 में नहीं बल्कि 2010 में मुलाकात की बात कही और बताया कि वाशी की सब्जी मार्केट में मुलाकात के बाद वो उसे घर का काम कराने के लिए लाया था और इसके बाद वो दोनों 2010 से ही लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने ने पूछताछ के दौरान खुद को HIV पॉजिटिव बताया और दावा किया कि इसीलिए उसने अपनी पार्टनर के साथ कभी संबंध नहीं बनाए। अब पुलिस उसके HIV पॉजिटिव वाले बयान की सच्चाई जानने के लिए मेडिकल टेस्ट कराएगी। इसके बाद पुलिस सरस्वती का भी HIV टेस्ट करा सकती है, जिससे उसके बयानों की सच्चाई का पता लग सके, क्योंकि उसके इससे पहले पुलिस को दिए कई बयान भी गलत साबित हुए हैं। उधर मीरा रोड हत्याकांड में बेरहमी से मारी गई सरस्वती नाम की महिला के कई रिश्तेदार सामने आ गए। इससे पहले पुलिस ने उनके अनाथ होने का दावा किया था। ये वही मामला है जिसमें सरस्वती की हत्या के आरोप में उसके लिव इन पार्टनर मनोज साने पर हत्या का आरोप लगा और मुंबई की मीरा रोड पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें मुंबई पुलिस के सामने कई महिलाएं पहुंची जिन्होंने खुद को सरस्वती की रिश्तेदार बताया, जबकि पुलिस ने हत्या की वारदात सामने आने के बाद सरस्वती को अनाथ बताया था। लेकिन अब तक पुलिस के सामने 3 महिलाएं आ चुकी हैं और इन तीनों महिलाओं ने खुद को सरस्वती की बहन बताया, जिसके बाद पुलिस ने सरस्वती को अपनी बहन बताने वाली इन तीनों महिलाओं के बयान दर्ज किए। ये तीनों महिलाएं खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने आप को मृतका सरस्वती की बहने बताया, जिसके बाद मुंबई पुलिस इन महिलाओं के बयानों की भी जांच कराने की तैयारी कर रही है। इस बीच मीरा रोड हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस को हत्या के आरोपी मनोज साने और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती की शादी होने की जानकारी मिली। पुलिस को सरस्वती के शव के टुकड़े मनोज साने के मीरा रोड वाले फ्लैट से मिले थे और अभी तक पुलिस इस मामले में सरस्वती को उसका लिव इन पार्टनर मानकर जांच कर रही थी। लेकिन अब पुलिस के सामने खुद को सरस्वती की बहन बताने वाली तीनों महिलाओं ने उन दोनों की शादी होने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, जिसमें उन महिलाओं ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन सरस्वती ने मनोज साने से किसी मंदिर में शादी की थी और इस शादी के बाद सरस्वती ने अपनी बहनों को बताई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सरस्वती की 5 बहनें हैं, जिनमें 3 बहनें पुलिस के सामने आई, जिसके बाद पुलिस उन महिलाओं का DNA मृतक सरस्वती से मैच कराने की तैयारी कर रही है और मुंबई पुलिस सरस्वती का शव भी उन्हें सौंपने की तैयारी कर रही है। बॉडी है, उसको हैंडओवर करने का प्रोसेस चालू है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने सरस्वती से मिलने अहमदनगर के उस आश्रम में भी जाता था जहां वो पढ़ाई करती थी, लेकिन सरस्वती लोगों को उसे अपना मामा बताती थी, इसीलिए उसने शादी के बारे में भी किसी को नहीं बताया। वहीं पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के साथ मारपीट करता था। सूत्रों ने यह दावा मनोज साने से हुई पूछताछ के आधार पर किया। गिरफ्तार किए गए मनोज साने पर अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने का भी आरोप है और इस मामले में सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता लगा कि आरोपी मनोज साने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को पीटता था, जिसके बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या सरस्वती ने अपनी बहनों को भी मारपीट की बात बताई थी, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि सरस्वती अपनी बहनों से लगातार फोन के जरिए संपर्क में थी, इसीलिए पुलिस उनसे मारपीट के दावों की तस्दीक करेगी, जिसके लिए मुंबई पुलिस को उन तीनों महिलाओं के DNA टेस्ट का इंतजार है जिन्होंने खुद को सरस्वती की बहन बताया। पुलिस मान रही है कि सरस्वती के बहनों के सामने आने से इस केस की जांच में उसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, इसीलिए मुंबई पुलिस उनमें एक महिला का DNA टेस्ट कराने के लिए JJ अस्पताल ले गई, जिसके बाद उसे सरस्वती के DNA से मैच कराया जाएगा। इस बीच मुंबई पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मीरा रोड केस में आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की मौत की वजह जहर पीना बताया, जबकि उस पर आरोप है कि उसने सरस्वती की हत्या करके उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। और इसी मामले में हत्या के आरोपी मनोज साने ने पूछताछ में पुलिस को अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की मौत की वजह जहर पीना बताया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में बताया कि 3 जून को उसका अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती से झगड़ा हुआ, जिसके बाद सरस्वती ने जहर पी लिया और उसकी मौत हो गई।
इससे वो घबरा गया और फंसने के डर से उसने उसके शव को ठिकाने लगाने की ठानी, जिसके बाद उसने उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगाने लगा। उसने पुलिस को ये भी बताया कि इसके बाद वो भी खुदकुशी करने वाला था, लेकिन उसका ये बयान पुलिस की जांच में झूठा निकला। सूत्रों ने बताया कि उसने जांच को गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद वो सरस्वती के शव के गायब हिस्सों की तलाश करेगी। लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा हत्या मामले की जांच तेज हो चुकी है। फोरेंसिक विभाग की टीम मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीवा के शरीर पर 16 इंजरी के निशान पाए गए हैं। जांच के लिए गठित SIC लगातार हत्या की बारीकियों पर ध्यान दे रही है। लेकिन मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके वारदात पर शुक्रवार को फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच की। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की पूरी जानकारी साझा की। टीम हमारी उनको अंदर लेकर के जा रही थी, इसमें जो है फायरिंग हुई पीछे से और उसमें गोलियां चली और उसके बाद जो है वो घायल अवस्था में उनको टीम ने तत्काल हॉस्पिटल भेजा, जहां मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कुल 5 लोग घायल हुए थे और सभी इस समय खतरे से बाहर हैं, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर हुए गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में अब अतीक अहमद की एंट्री हो गई। हालांकि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रैल को ही कर दी गई थी, लेकिन अब संजीव जीवा मर्डर केस में भी अतीक का नाम सामने आया। वो इसलिए क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद के अशरफ नाम के दोस्त ने जीवा को मारने की सुपारी दी थी, जो 2 रोज पहले ही मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव जीवा की लखनऊ में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रयागराज के रहने वाले अतीक के दोस्त अशरफ ने शूटर विजय को जीवा की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक अपने बयान में विजय यादव ने बताया कि अशरफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ये डील मुंबई और नेपाल में हुई थी, और पुलिस सूत्रों का कहना है कि अशरफ जीवा से बदला लेना चाहता था क्योंकि जीवा ने लखनऊ जेल में बंद उसके भाई आतिफ की बेइज्जती की थी। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में विजय ने बताया कि वारदात के दिन ही वो लखनऊ पहुंचा था, जहां कैसरबाग बस अड्डे पर अशरफ के एक आदमी ने उसे अल्फा रिवॉल्वर और वकील की ड्रेस दी थी। इसके बाद उसी आदमी ने कोर्ट के अंदर जीवा की पहचान भी कराई थी। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर हुई गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले शूटर विजय यादव ने 7 जून को जीवा को गोलियों से चलनी कर दिया था। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की हत्या के लिए उसे 20 लाख रुपए सुपारी दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड की जांच कर रही SIT की टीम के सामने खुद आरोपी विजय यादव ने इस बात से पर्दा उठाया, लेकिन लाखों रुपए कौन देने वाला था इस बारे में उसने पुलिस को कुछ ठोस नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया है कि ये डील मुंबई में हुई थी। हालांकि इससे पहले पुलिस सूत्रों ने जीवा हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर सुनील राठी के होने का शक जताया था, क्योंकि पश्चिमी यूपी में संजीव जीवा के साथ सुनील राठी की तगड़ी दुश्मनी थी और इलाके में दबदबा बनाने के लिए दोनों के बीच कई बार भिड़ंत भी हुई थी। इस बीच लखनऊ में हुए जीवा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए SIT की टीम ने देर रात 50 पुलिस वालों और वकीलों के बयान दर्ज किए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जीवा की हत्या कैसे हो गई। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ की जेल से पेशी के लिए जीवा को 10 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था, लेकिन आरोप है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी शूटर विजय यादव ने जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया। इसी वजह से SIT की टीम ने देर रात वारदात के वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद 50 लोगों के बयान दर्ज किए। इन लोगों में जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी और वकील शामिल हैं। इसके अलावा करीब 1 घंटे तक SIT के अधिकारियों ने हत्या वाली जगह की जांच भी की। इस मामले में प्रशासन ने कोर्ट परिसर के अलग अलग गेट पर तैनात 6 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया।